सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ पीके गुप्ता बुक. यू कैन सी हेयर, दिस इज द पीके गुप्ता बुक, साइटोजेनेटिक्स बुक रिटन बाय पीके गुप्ता. सो हेयर आई विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉप बुक, क्रोमोसोम्स एंड साइटोजेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई विकास मंगल, साइंटिस्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रीज ऑफ बैरकपुर. सो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस बुक की फर्स्ट चैप्टर को आप जरूर खोल के रखें साथ साथ, क्योंकि हर चीज़ में कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिश करूँगा. ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है IRA PhD के एग्जाम के लिए या ARS मेंस के एग्जाम के लिए, और प्लांट साइंस ARF के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा इसमें से आ सकता है. ठीक है, तो देखो पहला अपना चैप्टर है क्रोमोसोम एंड साइटोजेनेटिक एंड इंट्रोडक्शन. जो टॉपिक उस बुक में लिखे हुए उस टॉपिक की सीरियल वाइज में इसमें डिस्कस करूंगा. वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा चैप्टर इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा. ठीक, देखो कि जो 1903 में क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई थी, ठीक है, सटन एंड बावेरी की, तो उसमें या फिर मॉर्गन ने जो स्टडी की थी या ब्रिज ने जो स्टडी की थी, वहाँ पर हमें क्या हुआ था कि हमें थोड़ा सा पता चल गया था कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ ऑल हेरिडिटी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद हमने जो इनहेरिटेंस पढ़ी थी फिनोटिपिक ट्रेट की, वो हमने किससे, जो भी सेग्रीगेशन पैटर्न था, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो सेग्रीगेशन पैटर्न था, उससे हमने डिटेक्ट की थी. ठीक है, तो जो ये स्टडी थी वो क्या थी, प्योरली जेनेटिक थी, उसमें साइटोजेनेटिक इंक्लूडिंग नहीं थी. ठीक है ना, तो उससे हमें क्या हुआ कि हमने लिंकेज मैप भी बना लिया, लेकिन हमें स्पेसिफिक लोकेशन जो थी जीन्स की क्रोमोसोम पे ऐसे कुछ पता नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि जीन्स का क्रोमोसोम के साथ क्या रिलेशन था. तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी थी, इसका एक आउटकम था क्या, साइटोजेनेटिक, जिससे हमें क्या पता लगा, द रिलेशनशिप ऑफ स्पेसिफिक जीन विद स्पेसिफिक क्रोमोसोम इज एक्चुअली द साइंस ऑफ साइटोजेनेटिक्स, या फिर हम कह सकते हैं इट इज दी कोरिलेटेड स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी. ठीक है, तो इससे देखो किस किस क्वेश्चन का आंसर आता है साइटोजेनेटिक्स से. सबसे पहले कि जो जेनेटिक स्टडी मैंने जो बताया कि जो प्रीवियस प्योरली जेनेटिक थी स्टडी, उसके जो रिजल्ट हैं वो आप किससे रिलेट कर सकते हो, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और बिहेवियर उससे आप रिलेट कर सकते हो. मतलब रिजल्ट ऑफ जेनेटिक स्टडी आर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइटोजेनेटिक्स. सो इट मींस इन होल वीडियोज ऑफ साइटोजेनेटिक वी विल डिस्कस मेनली अबाउट द क्रोमोसोम्स. ओके, आई द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम एब्रेशंस और एलियन एडिशन, सब्स्टिट्यूशन लाइन, एनीथिंग बट रिलेटेड टू क्रोमोसोम. ओके, एंड दीज वेरिएशन विच आई ऑलरेडी डिस्कस, दीज वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नंबर हैज बीन ऑफ इमेंस हेल्प इन सच ए स्टडी. ओके, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, द क्रोमोसोम्स एंड देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो वी ऑल नो दैट द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, द डिस्कशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज प्रीरिक्विजिट. ओके, बिकॉज विदाउट स्ट्रक्चर ऑफ विदाउट नोइंग द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है, सो दीज आर रिलेटेड टू डेफिनेट नंबर्स, क्रोमोसोम शेप, साइज, एंड दे कैन बी इजिली स्टडी ड्यूरिंग द सेल डिविजन, वी ऑल नो दैट. ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली द वट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, होमोलोगस क्रोमोसोम ओबियसली, एंड वेयर पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग अकर्स इन जायगोटिन, वी ऑल नो दैट. ओके, रिडक्शन इन लेंथ, सो आफ्टर इंटरफेज द क्रोमोसोम कंडेंसेशन और द थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज, लेंथ इज डिक्रीज, एंड इट इज अकर्स थ्रू आउट द प्रोफेज. ओके, सो इट कैन बी अप टू पैकेटिन, डिप्रोटीन एंड डाइकानेसिस, द रिडक्शन इन लेंथ इन अकर. ओके, वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस सेगमेंट, तो दिस इज अकर इन पैकेटिन. ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल डिविजन एंड क्रोमोसोम्स. दे अरेंज एट एन एक्विटरी प्लेट, मेटाफेज स्टेज. ओके, एंड वेन दे सेपरेट आउट एनाफेज स्टेज. ओके, दीज आर द सम रिगार्डिंग देयर क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ कमिंग टू द क्रोमोसोम नंबर, सिम्बल्स एंड टर्मिनोलॉजी. ओके, सो हम वी ऑल नो दैट अमॉन्ग प्लांट द स्पोरोफिटिक जो क्रोमोसोम नंबर, दे आर वेरी फ्रॉम 2n = 4 टू मोर देन 1200. सो इन हेप्लोप्रोपस गैसिलिस, एक्चुअली दिस इज अ कंपोजिटिव फैमिली प्लांट, वेयर 4 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड इन सम ऑफ द टेरिडोफाइट 1200 और मोर देन 1200 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड इन केस ऑफ ऑलोकैंथा 2n = 1600 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, द मीनिंग ऑफ एन इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द गैमिट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सोमेटिक सेल. ओके, इन सबको अच्छे से नोट कर लें, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3n, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म. ओके,
We all know that the endosperms are triploid. As example, the aleurone layer found in maize, this is the triploid in nature, okay? Now coming to the karyotype symmetry, the second topic of chromosome structure and organization. So friends, we all know that a group of plants or any animals, they are comprising a species characterized by a set of chromosome. It means the set of chromosome which have the certain constant feature. And in karyotype, here we can say the term karyotype is given to the group of characteristics that identify a particular chromosome set and be usually represented by a diagram which is called ideogram. It means in karyotype we are studying some of the chromosome sets where chromosomes of haploid set of an organism are ordered in a series of decreasing size. First, higher length to the lower length. Okay. So friends, actually karyotype suggests the primitive or advanced feature of an organism. Okay. So how it will suggest? Actually, two types of karyotypes are present, asymmetric or symmetric. Okay. What is the meaning of asymmetric karyotype? Here you can see this is the one and this is two. So this is the largest difference between the smallest and largest chromosome set. Actually, this is asymmetric. Okay. So the large difference between the smallest and the largest chromosome of the set and having fewer metacentric chromosome. So ye ek tarike ka aapka kya hai? Ye aapka asymmetric karyotype. Okay. Ki matlab bilkul hi alag alag type ke usme wo hon. Theek hai na? To ye jo aur symmetric ka matlab hota hai ki jisme aapke zyada difference nahi ho size mein. Theek hai? To jo कैरियोटाइप का एसिमेट्रिक होना वो आपका एडवांस फीचर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और कैरियोटाइप का सिमेट्रिक होना ये बहुत प्रिमिटिव फीचर है, इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है किसकी तरफ बढ़ेंगे, एसिमेट्रिक या एडवांस कैरियोटाइप की तरफ, ठीक है? तो इसीलिए 1931 में लेविट्स्की ने, देखिए ये एआरएस मेंस के समय ऐसा लिखना बड़ा अच्छा रहता है कि लेविट्स्की ने 1931 में क्या कहा, क्योंकि आप रेफरेंस मेंशन कर देते हैं तो वो मार्क्स अच्छे देता है. तो व्हाट लेविट्स्की सजेस्ट दैट इन फ्लावरिंग प्लांट्स देयर इज ए प्रीडोमिनेंट ट्रेंड टुवर्ड्स कैरियोटाइप एसिमेट्री. व्हाई? बिकॉज दिस इज द एडवांस फीचर. कैरियोटाइप एसिमेट्री इज द एडवांस फीचर एंड दिस इन सेवरल केसेस इट वाज शोन दैट इंक्रीज कैरियोटाइप एसिमेट्री वाज एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज जाइगोमॉर्फिक फ्लेवर्स. ये पूछ सकते हैं कि जैसे जैसे जो प्लांट्स हैं उनमें एसिमेट्री बढ़ती जाएगी कैरियोटाइप में, तो वो जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है? ये आपका दूसरा था. अब देखिए एक अगला पॉइंट आ गया आपका यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है? देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं आप उनको चाहे तो इंटरफेज या प्रोफेज में मिल या इंटरफेज की बात कर रहे हैं, जब उनको आप स्टेन करते हो किससे, एसिटोकार्बिन से करते हो या फ्यूजन एजेंट से करते हो, ठीक है? तो उसमें दो टाइप के रीजन बन जाते हैं, एक तो डार्क रीजन बनता है, एक लाइट रीजन बनता है, ठीक है? डार्क रीजन जो होता है उसे बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन और लाइट रीजन होता है उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्रोमेटिन जो होता है आपका वो जीन रिच रीजन होता है, ये याद रखिएगा आप, क्या होता है आपका जीन रिच रीजन होता है, ठीक है? और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये जीन पुअर रीजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ठीक है? ये जीन पुअर रीजन होता है. अब देखो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रोमोमियर्स, क्रोमोसेंटर्स और नॉब्स, ठीक है ना? देखो इन चीज़ों को आप डिटेल में बुक से पढ़ने में ज़्यादा तो आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है? बस देखो ये याद रखिए जो जो क्रोमोमियर्स है ये जनरली आपको प्रोफेज में देखते हैं, आपको पता ही होगा दे आर द रेगुलर फीचर्स ऑफ ऑल प्रोफेज क्रोमोसोम, ठीक है ना? लार्ज इनफ टू रिवील देम सेल्फ. क्रोमोसेंटर्स जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, ये जो सेंट्रोमियर के पास ही पाए जाते हैं आपके. क्रोमोसेंटर्स आर द हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स ऑफ वेरिंग साइज विच अकर नियर द सेंट्रोमियर इन प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द क्रोमोसोम आर्क, ठीक है ना? जो आपकी डिप्टेरियन जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पे आपको एक क्रोमोमियर जो होते हैं वो आपको क्लियर दिखते हैं, ये आप क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखिएगा, ठीक है ना? जहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसेंटर होते हैं, ये जो क्रोमोसेंटर्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट क्रोमोसोम के, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो क्रोमोसेंटर हैं, जो डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमोसेंटर होते हैं डिप्टेरियन ग्लैंड में, वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, वो लार्ज क्रोमोसेंटर बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब देखो अगला क्या, नॉब्स होता है. नॉब्स भी क्या होते हैं, ये जो होती हैं नॉब्स वो स्पेरिकल हेट्रोक्रोमेटिन बॉडीज होती हैं जिनका डायमीटर कभी कभी क्रोमोसोम बिट से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? ये जनरली आपको उनको देखना है ना, तो जो आपकी मेज है उसमें जो पैकाइटिन स्टेज है वहाँ पे आपको नॉब्स अच्छी दिख जाएंगी. और ये कभी कभी वैल्यूएबल मार्कर के रूप में भी यूज होती है, मॉर्फोलॉजी का मार्कर के रूप में, रिलेटेड स्पीसीज या फिर आप कह सकते हो रेसेज को अलग करने के लिए,
जो डिफरेंट रेस होती है ना उनको अलग करने के लिए, ठीक है। अब देखो बेंडिंग पैटर्न की बात करते हैं। देखो बेंडिंग पैटर्न से पहले क्रोमोसोम्स को जो अलग किया जाता था, मतलब डिस्टिंग्विश किया जाता था, वो किया जाता था उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, जैसे उनके रिलेटिव लेंथ, आर्म रेशियो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बेंडिंग टेक्निक्स आई, तो बेंडिंग टेक्निक से केवल आप उनको मॉर्फोलॉजिकली अलग ही नहीं कर सकते, बल्कि आप उनको क्या कर सकते हो, बट दे आल्सो अलाउ आइडेंटिफिकेशन क्रोमोसोम दैट पजेज ए सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट, ये भी फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि इट आल्सो परमिट्स अस टू एस्टैब्लिश ए कोरिलेशन बिटवीन द लिंकेज मैप एंड द साइटोलॉजिकल मैप विद द हेल्प ऑफ दिस बेंडिंग टेक्निक, ओके। अब देखो जो बेंडिंग पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो अब देखो डिफरेंट टाइप के बेंडिंग पैटर्न है, आप डिटेल में बुक से पढ़ लें, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहला क्या है आपका क्यू बेंड, ठीक है, कैस्परसन इटालियन स्टडी की, तो इसने क्या कहा, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट क्विनाक्रीन मस्टर्ड, इससे इसने स्टेन किया कि दैट क्विनाक्रीन मस्टर्ड स्टेनिंग इन फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट दैट प्रोड्यूस अ करेक्टरिस्टिक ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑन क्रोमोसोम। ओब्वियसली बात है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया हेट्रोक्रोमेटिक यूक्रोमेटिक लाइट एंड डार्क बैंड टाइप के प्रेजेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद सी बैंड आया, ठीक है ना, सी का ही मतलब है आपका जो कॉन्स्टिट्यूटिव, और सी मतलब सेंट्रोमेरिक रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला मतलब, तो जीएच में इसमें सी बैंडिंग यूज होती है, तो ये किस चीज़ के लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव या सेंट्रोमेटिक हेट्रोक्रोमेटिक के लिए, ठीक है, आप डिटेल में बुक से पढ़ लें, ठीक है। एन एन का मतलब है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, मतलब एन बैंड का यूज मेनली किया है एनओआर रीजन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। देखो सी बैंड जो होती है वो आपकी क्या होती है, तो मतलब डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है, कि जो सी बैंड है वो जनरल टेक्निक है आपकी, जो आपकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक रीजन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब कि सी बैंड जब आप चलाएंगे तो आपको मैगजिम बहुत ज़्यादा बैंड दिखेंगे, ठीक है। एन बैंड जो है वो और स्पेशलाइज है, इसका स्पेशलाइज मतलब कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर थोड़ा सा स्पेशलाइज, जो एन बैंडिंग स्टेंस मोर इंटेंसली स्पेशलाइज हेट्रोक्रोमेटिन विद इन दी सी बैंड, ये कितना अच्छा क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये एन बैंड में पूछा जा सकता है कि जो सी बैंड है वो जनरल होता है और एन बैंड जो होता है वो स्पेशलाइज हेट्रोक्रोमेटिन के लिए होता है, ठीक है ना। इनका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप क्या नाम है बुक से देख लें, ठीक है ना। अब देखो जी बैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जो जी बैंड होता है वो लगभग सी और एन के सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जी बैंड में क्या होता है कि जैसे हम जब सी और एन बैंड करते हैं तो उसमें स्क्वेयर प्रिपरेशन करते हैं, जब आप उसके स्टेप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप स्क्वेयर प्रिपरेशन करते हैं, तो जी में हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ स्क्वेयर प्रिपरेशन एयर ड्राइड और फ्लेम ड्राइड प्रिपरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कल्चर वर्ड्स यूज, बस यही डिफरेंस है, ये आप पूरा देख लें, ठीक है। अब आर बैंड जो होता है वो रिवर्स ऑफ जी बैंड है, सिंपल है कि मतलब कि जिस जी में जो डार्क बैंड दिखाएगा इसमें लाइट दिखाएगा, लाइट डार्क दिखाएगा, ठीक है, रिवर्स ऑफ जी बैंड, तो इसका मतलब कि रिवर्स क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये यूज हो रहे हैं एयर ड्राइड जो, तो इसको उनको क्या करते हैं एयर ड्राइड स्लाइड्स जो हम बनाते हैं उनको किस में रख देते हैं, फॉस्फेट बफर में रख देते हैं एट 86 से 87 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट, ठीक है ना, यही डिफरेंस है इसमें बस। अगला देखो, अगला टॉपिक आपका क्या आ गया, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब, ठीक है ना। तो देखो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका मतलब ही क्या है, हमें करना क्या है कि हमें जो भी फिजिकल लोकेशन बतानी है किसी ना किसी चीज़ की, तो किसकी हेल्प से बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं प्रोब का डीएनए से हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो इसलिए इसको इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन बोला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा काम क्या हुआ, टू लोकेट द फिजिकल पोजिशन ऑफ ए नॉन डीएनए सिक्वेंस ऑन ए क्रोमोसोम, ये क्या है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसका यूज क्या हुआ, फिजिकल मैपिंग ऑफ ए जीन, फिजिकल मैपिंग कर रहे हैं हम जीन की, मतलब फिजिकल मैपिंग मीन्स कि हम लोकेशन बता रहे हैं नॉन डीएनए सीक्वेंस की विद द हेल्प ऑफ प्रोब, तो ये इंस्टीट्यू हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो इसके स्टेप्स आप बुक से अच्छे से पढ़ लें, मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि जो आप प्रोब ले रहे हो, ठीक है ना, वो प्रोब को लेबलिंग कर रहे हो, तो लेबलिंग आप इससे H3DTTP से कर सकते हो, इससे कर सकते हो, या बायोटीनाइलेटेड UTP, किससे भी आपके क्या कर सकते हो प्रोब की लेबलिंग कर सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हो, आप स्लाइड को प्री ट्रीट कर रहे हो, एंड जो क्रोमोसोम और डीएनए लिया है, ठीक है ना, उसको आप डीनेचर कर रहे हो, क्योंकि क्रोमोसोम और प्रोब को आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना ना, तो पहले क्रोमोसोम को वो कर लो आप डीनेचर, उसके बाद क्या करो आप प्रोब को डीनेचर कर लो, क्योंकि दोनों ही डबल स्टैंडर्ड है ना, तो दोनों को जब तक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो पहले दोनों को डीनेचर कर लिया, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन मिक्सर जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करा था वो मिक्सर बनाना पड़ेगा ना, वो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है।
उसके बाद हम आपको करना क्या है कि जो लेबल्ड प्लोव है उसको स्लाइड पे रख देंगे, प्लेस लेबल्ड प्रोवन, लेबल्ड प्रोवन स्लाइड रख दिया। उसके बाद कवर स्लिप रख दो ऊपर, कवर द स्लाइड विद कवर स्लिप, ओबियसली बात है कहाँ रख दो, इंक्यूबेशन में रख दो, जिससे कि अपना काम उसमें होता रहे, ठीक है। इंक्यूबेशन में रख दिया, उसके बाद क्या करो कि उस जो कवर स्लिप लगाई थी उसको निकाल दो आप, ठीक है, और जो हाइब्रिडाइजेशन मिक्स था उसको हटा दो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मिक्स हमने बनाया था ना पहले, उसको हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब अगला स्टेप डिपेंड करता है कि जो आपने प्रोब लिया था ऊपर वो किस टाइप का था, कि वो रेडियो एक्टिवली लेवल था या बायोटीनाइलेटेड प्रोब था, ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा सा स्टेप वेरी होगा। यदि मान लो वो रेडियो एक्टिवली लेवल प्रोब था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसके बाद स्टेप है डिहाइड्रेशन जो हमने लिया है उसका, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वाटर रहेगा ना, उसको उसको एयर ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करने के बाद आप ऑटो रेडियोग्राफी से उसकी इमेज ले लेंगे, ठीक है। यदि आपने बायोटीनाइलेटेड प्रोब यूज किया है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ड्रेन करेंगे स्लाइड्स को, हटा दिया उसमें से, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो स्ट्रेप्टोबिडिन है, स्ट्रेप्टोबिडिन हॉट रेडिस परोक्सीडेज सॉल्यूशन लोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप रिमूव कवर ग्लास और वॉशिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद जो स्लाइड है उसको किस पर रख दोगे, DAB एंड 1% H2O2 पर रख दोगे, ठीक है ना। ये देखो आप स्टेप्स हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या आपके स्टेप हो रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो आपने DAB लिया, ठीक है ना, डाई अमीनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड और 1% H2O2, इस पर आप क्या कर दे रहे हो, मतलब 5 मिनट आप रख दो, ठीक है ना। उसके बाद रिंस कर लो स्लाइड को, और उसके बाद इसको स्टेन कर दो GMA के साथ में, एयर ड्राई एंड माउंटेन पर मून, ठीक है। तो ये होता है बायोटीनाइलेटेड प्रोब के रूप में। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बस वेरी करता है, ये आप याद रखें इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है आपका फिश, ठीक है ना, फिश आता है, इसमें क्या होता है आपका फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज होता है, यही डिफरेंस है बस, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज होता है ना इसमें, ठीक है। बस हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, फिश में हम ये कर रहे हैं कि फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल कैन बी डिपोजिटेड एट द साइट ऑफ इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन, सीधी बात है, बस ये कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो देखो कभी कभी ये पूछते हैं कि जो आप फिश यूज कर रहे हो फ्लोरोसेंट इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन, पहले हम ये पढ़ लेते हैं उसका एडवांटेज क्या है, जो प्रीवियस हमने टेक्निक पढ़ी है इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन ISH, उससे आपका एडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसका एडवांटेज क्या है, पहला कि ये हायर रेजोल्यूशन है, सेंसिटिव एंड स्पीड इसकी हाई है, क्योंकि हम फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, पहले। दूसरा, अब देखो जो पहली वाली जो स्कीम थी इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन, उसमें आप डिफरेंट कलर के प्रोब यूज नहीं कर सकते, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है प्रोब यूज करने में, लेकिन यहाँ पे क्या फायदा है, ये वैरायटी ऑफ प्रोब लेबलिंग स्कीम से अवेलेबल, मतलब डिफरेंट कलर के आप प्रोब यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर, जिस आपने पढ़ा होगा ना मल्टी कलर फेस होता है उसके लिए, ठीक है। दूसरा कि आप इसमें मेटाफेस, सेल, इंटरफेस, न्यूक्लियर कुछ भी यूज कर सकते हो, ये भी आपके रेस्ट्रिक्शन नहीं है फेस में, ठीक है। दूसरा कि जो आप इसमें यूज कर रहे हो प्रोब, वो आप इंटायर जीनोम भी प्रोब की तरह यूज कर सकते हो, देखिए होल क्रोमोसोम को प्रोब की तरह यूज कर सकते हो, क्रोमोसोम सेगमेंट को, इवन सिंगल कॉपी सीक्वेंस कैन बी हाईलाइटेड डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोब यूज, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस कैन बी सप्रेस बाय प्री हाइब्रिडाइजेशन विद अनलेबल्ड जीनोमिक DNA, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कराना बड़ा टफ होता है ना, लेकिन फिश में क्या फायदा है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसका हम प्री हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अनलेबल्ड जीनोमिक DNA के साथ, उसके बाद हम ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जो स्टेप्स हैं फिश के, पहले DNA की मेल्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो मेल्टिंग मतलब दोनों की करेंगे, प्रोब की करेंगे, न्यूक्लियस की करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे प्रोब की, कितनी रिपोर्टर विद रिपोर्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, बायोटीन या कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ऑब्वियसली बात है, फिर क्या करेंगे, इंक्यूबेशन, इम्यूनो फ्लोरोसेंट रीजन इंक्यूबेशन रखेंगे, वहाँ भी हमने जब हाइब्रिडाइजेशन कराया था तो इंक्यूबेशन में रखा था ना, उसके बाद हम फोटोग्राफ ले लेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। ये पूरा स्टेप आप बुक से डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फिश में हम प्रोब यूज कर रहे हैं वो टोटल जीनोमिक DNA हो सकता है, सही है, वो जीनोम या क्रोमोसोम स्पेसिफिक DNA हो सकता है, या फिर सिंगल कॉपी सीक्वेंस हो सकता है, ये याद रखिएगा। और जो फिश है उसका यूज क्या है, उसका यूज है स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, उसको स्टडी करने के लिए, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजिंग उसको स्टडी करने के लिए, और जीन मैपिंग के लिए, जीन मैपिंग के लिए भी आपका फिश का यूज होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है ना। ये फिश अभी आजकल कम यूज हो रही होगी, लेकिन इसका यूज बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखो अगली आ गई जिस, जीनोमिक इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग जीनोम ब्लॉकिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो हम प्रोब ले रहे हैं ना, वो याद रखिएगा टोटल जीनोमिक DNA ले रहे हैं एलियन स्पीसीज का, ठीक है ना। अब ये देखो
अनलेबल ब्लॉकिंग डीएनए फ्रॉम वीट। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका वीट है, ठीक है, इसमें आपको स्टडी करनी है किसकी, राइ की। मान लो आपने किसी एलियन स्पीसीज से इसमें क्रोमोसोम ट्रांसफर किया जैसे राइस से, और उस क्रोमोसोम की आपको स्टडी करनी है, तो जो वीट का जो जीनोम है वो दिक्कत करेगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो एक ब्लॉकिंग डीएनए लेते हैं, मतलब वीट का डीएनए लेते हैं, उससे हम ले लिया नॉर्मल वीट का, उससे जो स्पीसीज जिसमें हमने एलियन जीन ट्रांसफर किया है उससे उसको ब्लॉक करते हैं, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे कि केवल उसमें क्या बचा, जो एलियन से आया वही बचाना। और यहाँ भी हम प्रोब भी वही ले रहे हैं जिन्होंने डीएनए फ्रॉम एलियन स्पीसीज, इसका मतलब वो आसानी से हाइब्रिडाइज हो जाएगा, इसलिए इसमें जीनोम ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जिस क्रोमोसोम पार्ट की स्टडी करनी है पहले हम अनलेबल्ड ब्लॉकिंग डीएनए लेते हैं, ठीक है ना, सेम स्पीसीज से, फिर वो करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड क्रोमोसोम एनालिसिस। देखो अभी जब बुक को देखोगे ना तो मैं बुक के हिसाब से ही पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जो भी हम कैरियोटाइप या इडियोटाइप बना रहे हैं, पहले हमने जो बात करी उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है क्रोमोसोम में, पर्सनल एरर आ सकती है, ठीक है ना, जब भी हम क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये इसलिए हमने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि एसिटोकार्मीन या फ्यूजन स्टेन मेटाफिस क्रोमोसोम एज वेल एज क्यूजीसी बैंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इन सब की स्टडी किससे कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कैरियोटाइप बना रहे हैं, यही कंप्यूटर असिस्टेड क्रोमोसोम एनालिसिस, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, अगली देखो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत कुछ पूछा जाता है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम पे फ्रेंड। ठीक है, तो इन सलाइवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ डिप्टेरियन स्पीसी गेन क्रोमोसोम्स वर ऑब्जर्व बाई बालवियानी फॉर फर्स्ट टाइम इन 1881। ठीक है, और देखिए इसने सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम ने बहुत हेल्प की थी पूरी साइटोजेनेटिक्स में। क्यों? क्योंकि जो डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसी होते हैं ना उनको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं म्यूसिस में, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम ऐसी थी जिससे बहुत कुछ हेल्प हुई थी। ठीक है, बालवियानी ने दी थी, गेन पॉलिटिंग क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सलाइवरी ग्लैंड के सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं, आपको पता है ये एंडो रीडुप्लीकेशन से बनती है, मतलब कि क्रोमोसोम का रेप्लीकेशन तो होता है लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उसी में बढ़ता जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ ट्रांसवर्स बैंड पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रोमेटिक एंड अक्रोमेटिक रीजन्स के बने होते हैं, ठीक है ना, जो तो ये क्या करते हैं, जो दीज बैंड्स हैव ग्रेटली हेल्प इन द मैपिंग ऑफ द क्रोमोसोम इन साइटोजेनेटिक स्टडी। ठीक है ना, ये गेन क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्रोमोसोम है ना उससे 200 टाइम्स तक कभी कभी ज़्यादा पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें क्रोमोसोम पफ के बारे में, बालवियानी रिंग बनती है, और इसके अंदर आपको पता है कि 5 लॉन्ग और 1 शॉर्ट स्ट्रैंड पाए जाते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में, तो ये आप पूरी चीज़ डिटेल में इसमें से पढ़ लीजिएगा, कौन सी लॉन्ग आर्म है, कौन सी एक्स क्रोमोसोम या लॉन्ग स्ट्रैंड है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखो बी क्रोमोसोम्स पे आते हैं, बी क्रोमोसोम पे, कि हमें पता है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है प्लांट में उसे हम बोलते हैं ए क्रोमोसोम, जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा प्लांट में कुछ क्रोमोसोम्स और पाए जाते हैं जिसे हम सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यदि ये ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ बिगर फर्टिलिटी इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, बी क्रोमोसोम, देखो अब ये जो क्रोमोसोम में बी क्रोमोसोम ये जो यूज किए गए हैं, ये यूज किए गए बी ए ट्रांसलोकेशन में यूज किए गए क्रोमोसोम मैपिंग में। मैं जब ट्रांसलोकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बी ए इंटरचेंज के बारे में आपको बताऊंगा। इंटरचेंज मतलब ट्रांसलोकेशन, बी मतलब बी क्रोमोसोम, ए मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, मेज में इनकी स्टडी की गई थी। देखो बी क्रोमोसोम जो होते हैं ना उनकी खास बात है सबसे पहले कि ये सारी स्पीसीज में नहीं पाए जाते, इवन एक ही स्पीसीज की सभी सेल्स तक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ए के साथ इनकी कोई पेयरिंग नहीं होती। क्यों पेयरिंग नहीं होती? क्योंकि उनके साथ होमोलोगस ही नहीं होते। ठीक है, और पेयरिंग होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये फायदे नहीं है ना इनका। और दूसरा कि जो बी क्रोमोसोम है जो उनकी इनहेरिटेंस है वो नॉन मेंडेलियन होती है नेचर में। ठीक है ना, इनका याद रखिए, नॉन मेंडेलियन होती है नेचर में। और ये जो होते हैं बी क्रोमोसोम स्मॉलर होते हैं किससे, ए क्रोमोसोम से, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनकी जरूरत ही नहीं है। और लेकिन मैंने आपको बताया पहले कि वेन प्रेजेंट इन हायर नंबर, यदि ये ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो गए तो दे सफर्स विगर एंड फर्टिलिटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और देयर ओरिजिन फंक्शन सब चीज़ अननोन होती है। ठीक है ना, जो बी क्रोमोसोम है उसमें बुक भी लिखी थी, किन्होंने लिखी, जॉन्स एंड रीस ने 1982 में इसके ऊपर बुक भी लिखी थी। ठीक है ना, बी क्रोमोसोम्स के बारे में आप पूरा पढ़ लें, बी क्रोमोसोम से
जो होता है, कई चीज़ों को नुकसान होता है, पोलन फर्टिलिटी, सीड सेट या फ्लावरिंग टाइम भी डिले हो जाता है बी क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है ना। इवन जो डिप्लोडाइजिंग सिस्टम होता है, जिसके बारे में पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा आपको कई सारी वीडियोज़ में, उसमें भी ये बहुत अफेक्ट करता है। और मेन इसका यूज वही है जो आपका बी ए ट्रांसलोकेशन है, उसके भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब पहला पोर्शन जो था आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर वाला, तो वो पूरी थ्रू आउट जो हम साइटोजेनेटिक्स पढ़ेंगे वो खत्म हो गया। अब दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हमें, राइट, जेनेटिक में, साइटोजेनेटिक में, फिजिकल में, भी सब हम पढ़ेंगे प्रीवियस वीडियो में। बस इस फर्स्ट चैप्टर में हम बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना, कि जेनेटिक मैप के बारे में, साइटोजेनेटिक मैप की, भाई आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, जितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन होता है उस हिसाब से सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होती है। लेकिन जो फिजिकल मैप हम क्यों बनाए, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्जैक्ट जेनेटिक डिस्टेंस नहीं देती, जब हम इन दोनों को कोरिलेट करते हैं तब पता चलता है, तो इसलिए हम फिजिकल मैप बनाते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख लें कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद रिलेशन टू द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इन जेनेटिक मैप, ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये बस इतना ही बताया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। दूसरा, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, मतलब कि देखो डुप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, डिलीशन पढ़ेंगे, ठीक है, सारा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ट्राइसोमी टेट्रासोमी सब कुछ। तो इसमें बोल रहा है कि ए स्नैपसिस, डी स्नैपसिस, स्पिंडल एब्नॉर्मल डिप्लोडाइजेशन, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं कि स्नैपसिस पेयरिंग होना या नहीं, इनिशियल पेयरिंग होना लेकिन मेटाफेज प्लेट पे वाइब्रेंट का एब्सेंट होना, या स्पिंडल एबनॉर्मलिटी, इनके लिए कौन सी जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, वो सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये बताया गया इस चैप्टर। फिर क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, हम सबको पता है कि क्रोमोसोम का रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। और क्रोमोसोम एगो अगर हम उसमें, मतलब एपोमिक्टिक सीड फॉर्मेशन, कई सारे जीन आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि एपोमिक्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो पूरा पढ़ने वाले हैं। और मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक, आपको पता है कि अभी तो RFLP मैप, ये मैप, वो मैप, कई सारे मैप आ चुके हैं, उन सब की स्टडी हम पूरी करने वाले हैं। तो देखो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कोशिश की है जल्दी से बताने की, ठीक है। तो PK गुप्ता का जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।